गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन अदर वीडियोस। सो कैसे आप सब लोग, पहले ये बताओ, मस्त सही बढ़िया। तो आज हम जाने वाले हैं कंटेंट लोकेशन पे। आ रहा है आज की वीडियो में कुछ हटके होने वाले, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और इसकी बिल्कुल मत करना, ठीक है? और वीडियो लाइक कर देना पसंद आए तो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, शेयर कर देना वीडियो, सब कुछ कर देना। और आज की वीडियो में कुछ तड़कता भड़कता होने वाला है, तो हमने मास्क पहन लिए, हम जाने वाले हैं, तो चलते हैं अभी। तो अभी हम बाइक से नहीं जा रहे हैं, हम अपनी यहाँ से जा रहे हैं, हमारी एक टाइम हायाबूसा है, तो अभी हम सिनेमैटिक दिखाएंगे उसका, और कैसे हायाबूसा लेना, ठीक है? हाँ, और हम पूरा दिखाएंगे रास्ता कि कैसा है, और अगर आप रामनगर रहते हो तो ये पता चल जाएगा आपको रास्ता, और हम चलते हैं तब तक। तो गाइस हमने अपनी हायाबूसा की चाबी ले ली, आपको हायाबूसा की चाबी दिखा कैसे होती है, दिखाऊं? दिखाऊं? ये देखो, ये हमारी हायाबूसा की चाबी है, और हम हायाबूसा है यार, हायाबूसा है जो हमारी, उसका सिनेमैटिक रोल दिखाएंगे हम अभी, और हमारी हायाबूसा बहुत खतरनाक है सच में, आप मजा आ जाएगा आपको ये देख के। ये हायाबूसा आपने जिंदगी में कभी देखी नहीं है। हाँ, ये उत्तराखंड में नई नई लॉन्च हुई है भाई, और ये सिर्फ हमारे पास है, इस एरिया में हमारे पास है, बाकी सबके पास महंगा है, हमारे पास हायाबूसा है, ठीक है? तो मैं हायाबूसा दिखाता हूँ कैसी है हमारी हायाबूसा, तो देखो फिर। ये थी हमारी हायाबूसा, कैसे आपको लगी हमारी हायाबूसा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर किसी को लेनी है हमारी हायाबूसा तो अभी नहीं देंगे हम कुछ टाइम बाद देंगे, तो आप हायाबूसा लेने चाहोगे तो आप हमसे कांटेक्ट करना, हमारा घर यहीं पे है, हम पोखरा में ही है, लोकेशन तो आप जानते होंगे, फिर उधर रामनगर में रहते होंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, बेल ऑन कर देना, लाइक कर देना, मतलब जो मैंने बोला है वो प्लीज कर देना। हम एक वीडियो बनाते हैं बड़ी मेहनत से, और आदेश 4-5 घंटे हमें एडिट पे लग जाते हैं, और वीडियो डालने में भी बहुत मेहनत लगती है क्योंकि उसमें बहुत प्रोसेस रहता है, और अभी पेड हम नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमारे कम सब्सक्राइबर हैं, जब धीरे धीरे करके ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे हम सब कुछ करेंगे, और नई वीडियो बहुत बड़ी राइड होगी इसमें। तो जो ये वाली ब्लॉग है ना, इसमें मतलब ये एक हॉन्टेड प्लेस है, मानते हैं ऐसा, हम वहाँ जाके आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या करना हो, जैसे लोग कहते हैं कि इसे हॉन्टेड कहा जाता है, वैसे एक हम दोनों का मानना नहीं है कि ये हॉन्टेड है, तो आप इसलिए इस टाइम पे तो बिल्कुल हॉन्टेड दिखता नहीं है, मगर रात में बहुत ज्यादा हॉन्टेड दिखता है। रात की वीडियो आएगी तो कुछ कहूंगा, अगर रात की वीडियो आई तो उसको भी देखना आप, और अगर रात की आ गई तो हम बता देंगे, मतलब नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा आप पे, और आप हमारी वीडियो देख लेना, और इस वीडियो को भी देखना कि दिन में कैसा लगता है हॉन्टेड प्लेस। और अगर कोई रामनगर या उत्तराखंड का देख रहा है और इस लोकेशन के बारे में पता है तो हमें बताना कि हॉन्टेड प्लेस है या नहीं, क्योंकि हमारी मानना है कि ये नहीं है। अगर निखिल भाई आप देख रहे हो तो आप उस लोकेशन को जानते हो, उस कुत्ते वाले सीन को भी देखा है आपने, तो आप कमेंट में बता देना कि हाँ आपने देखा है, ठीक है? तो निखिल भाई मिलते हैं आपको लोकेशन पे, ठीक है? और सबको मिलते हैं हम लोकेशन पे। फैम मैं अभी जाने वाला हूँ अपनी हायाबूसा पे बैठने, और भैया हमारे राइडर अब आजकल साइकिल पे होने लग गए राइडिंग करने। देखो ये किसे देखो, 10 बजे से पहले उठती है ये, और मेरे भैया दूसरे वो अब तो उठे, अभी उठे हैं जस्ट अभी, और ब्रश करने गए अभी, और अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है वैसे, अभी टाइम हो रहा है 10:16:19। हाँ तो यार हम दिखाते हैं, और धूप बहुत तगड़ी हो रही है, फिर भी हम यूट्यूब वीडियो बनाने जा रहे हैं। बताओ आप एक लाइक तो कर सकते हो हमारी वीडियो पे ना, तो प्लीज कर दो हमारी वीडियो पे लाइक, और तब तक हम चलते हैं, और आप पूरा दिखाएंगे, सिनेमैटिक स्लोमो सब कुछ दिखाएंगे, चलो फिर। ये थी हमारी हायाबूसा, और अभी हम लोकेशन पे पहुंचे नहीं है, मतलब हॉन्टेड प्लेस पे, और आने वाली है। हाँ, मतलब अभी हम, हमारा घर है यहाँ कैमरे में, हाँ हो रहा वो घर यहाँ से दिख नहीं रहा है, बड़ा घर बीच में आ रहा है। सो गाइस अभी हम आपको दिखाएंगे बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता, तो और हाँ मतलब बड़ा इतना है, और किसी पे चिपक गई ना वो सारी मधुमक्खियाँ,
तो उसकी बज जाएगी, बस उसकी बैंड बज जाएगी, उसके हर जगह से हो जाएगा उसके दाने दाने। और अब चलते हैं यार, बहुत बक लिया हमने, ठीक है, बकचोदी बहुत हो गई है, ठीक है, बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत तेज हो रहा साल, तेज हो रहे, बहुत तेज, बहुत तेज हो रहे साले। तो देखो गाइस कितनी सारी मधुमक्खियां हैं यहाँ, और यहाँ छत्ता है वो, मतलब इतनी है वो हम दोनों पे अलग से, मतलब चिपक सकती है, पूरा का पूरा चिपक सकती है। तो मैं आपको पहले छत्ता दिखाता हूँ, बहुत बोल लिया यार। तो गाइस देखो पूरा छत्ता वो दिख रहा होगा बड़ा सा, देखो जूम करता हूँ, ये देखो भाई साहब, देख लिया होगा आपने, है ना, सामने जाके दिखाऊंगा। और ये अगर चिपक गई ना सच में हम पे, हमारी बैंड बजा देंगे, देखो कितनी सारी है, ओ भाई साहब, मतलब शहद कितना होगा फिर भैंस की आँख इसमें, और मधुमक्खियाँ से चिपक रखी है भाई, इनने हमें 10 ने भी काट दिया ना, हमें तुम्हारे फोड़े पे फोड़े हो जाएंगे। ये अंकल चला रहे साइकिल मस्त, उनकी भी हायाबूसा, और एक हमारी हायाबूसा यहाँ खड़ी, ट्राइपॉड हाथ में, व्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ, और नज़ारा देखो कितना मस्त है यार। तो गाइज हम हॉन्टेड लोकेशन के रोड पे बिल्कुल पहुंच चुके हैं, इनकी हालत तो बिल्कुल चला चला के खराब हो चुकी है। तो ये रही वो रोड, जब ये रात को देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा सुनसान रहती है। तो अभी हमें जाना है इधर को, तो भाई साहब की बिल्कुल हालत जो है खराब हो चुकी है। तो अब मैं चलाऊंगा गाड़ी को और ये भाई बिल्कुल सूट करेंगे। तो अभी आपको रोड दिखाता हूँ मैं, और आपको दिखाता हूँ कितना मस्त व्यू आ रही है। देखो रात में गाइज बहुत हॉन्टेड है यहाँ को, अभी हमें जाना है। तो गाइज ये रहा जहाँ से हम अभी घर से आए हैं। तो गाइस एक बार आप पीछे देखो, ये देखो कितना मस्त लगता है ना पीछे, हॉन्टेड होता है और दिखने में गाइस आपकी चार हो जाएगी फट के चार। हाँ रात के टाइम, रात की वीडियो आएगी आपको, तो इस वीडियो को पहले लाइक कर दो, पहले इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए। तो गाइस मिलते हैं आपको लोकेशन पे, और चले एक बार ना प्लीज इस वीडियो को ना हंस के खुश दिल से लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो गाड़ी भाई साहब की देखो क्या हालत हो गई, ये देखो ये हालत खराब हो गई यार बिल्कुल अच्छे से। तो गाइस ये रहा वो जगह, तो हम यहाँ लोकेशन पे जाएंगे, तो हमें जाना है उधर को, और आ इन्हें देखो, और हम अभी ये पीछे स्कूटी पे जा रहे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं ना, वो ऐसे हंस के जा रहे हैं, हमें बिल्कुल शर्म लगती, अब नहीं लगती बिल्कुल। हमें बिल्कुल शर्म लगती, हमें इस बात का नहीं है, हमें तो अपनी लाइफ बनानी है और आपको अच्छे से कंटेंट मिलते रहेंगे और हमें सपोर्ट करो प्लीज गाइस, प्लीज लाइक तो जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब बाय कर देना। अब आपको हम मिलते हैं हॉन्टेड प्लेस पे सीधा, हाँ जहाँ गुन्नू भाई की फटके चार होगी, ठीक है, तो अब हम चलाएंगे साइकिल, बाय। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपनी हॉन्टेड प्लेस पे, तो ये हमारे हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ पे बरगद का पेड़ है और उसको हॉन्टेड बोलते हैं, माना जाता है। हमने अपनी हायाबूसा वहाँ खड़ी कर दी, और हम उस बरगद के पेड़ के सामने, पीपल है यार बरगद का नहीं, पीपल का पेड़ है। हाँ तो गाइस पीपल के, माना जाता है कि पीपल के पेड़ के सामने भी भूत बहुत सारे रहता है, इस पर लाल कपड़ा भी टका हुआ है। तो गाइस जब हम यहाँ आते थे ना, तो गाइस देखो रात ये पीछे दिख रहा है, इतना बड़ा पेड़ है, पूरा बड़ा पेड़ है, और हम बिना डरे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ अभी दिन हो रही है, और रात को होती तो हम यहाँ से फटके चार हो जाती है हमारी। तो गाइस और आप लाल कपड़े देखो, वो गाइस सामने लाल कपड़ा रखा हुआ है, देखो वो रखा है, दिख रहा है वो बीच में हो रहा। तो भाई यहाँ ब्राइटनेस बहुत आ रही है, तो लाल कपड़ा वहाँ पड़ा है, पता नहीं क्यों पड़ा है, माता का है जिसका है होगा, तो क्या ब्राइटनेस हो रही है यार। तो जो भी है हमने तो आपको ये दिखा दिया, अब हम आगे वाला सीन दिखाएंगे जहाँ हम जा रहे हैं। तो ये अभी हॉन्टेड प्लेस था, और यहीं से चले ना, हाँ तो गाइस इसे बहुत माना जाता है कि ये हॉन्टेड प्लेस है, अगर हम यहाँ पे आएंगे रात को तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी की आएगी। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट लोकेशन पे, जो है यहाँ से काफ़ी दूर है, 5 मिनट का रास्ता है,
पांच से दस मिनट का रास्ता है और वहाँ पे एक रिवर है और इतनी प्यारी रिवर है ना वहाँ पे, मजा आ जाता है। मतलब पानी इतना आता है, मजा कोई मतलब अलग से ही मजा आता है वहाँ। और अगर आप उत्तराखंड के हो तो आपको पता होगा उत्तराखंड में कैसा मजा आता है गाँव में और रामनगर जैसे शहरों में। शहरों में तो अलग आता है पर ज्यादातर गाँवों में मजा आता है क्योंकि गाँव की हरियाली जो रहती है वाह हा एकदम चुम्मा रहती है। तो सो निखिल भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये लोकेशन जानते होंगे, यहाँ पे हमने कुत्ता वाला सीन करा था तो आपको पता होगा। यहाँ से हम लेफ्ट को मुड़ गए थे। आप कहीं कोई और निखिल देख रहा हो तो वो मत समझना, वो हमारे भाई है निखिल भाई जो हमारे साथ हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे साथ वीडियो बनाते थे उन निखिल भाई की बात कर रहे हैं हम, और कोई निखिल नहीं है यार। और ये जो पीछे से लोग आ रहे हैं ना ये ऐसे देख रहे हैं हमें, घूर रहे हैं मतलब ये देखो बोले ऐसे मतलब हमें ऐसे दिखते जैसे हम अलग ही ग्रह से अलग ही मतलब प्राणी अलग ही है हम ऐसे दिखते हैं हमें। सो गाइस हमें इनको सबको इग्नोर करके अपने कंटेंट पर ध्यान देना होगा। तो चलो नेक्स्ट लोकेशन पे मिलते हैं। चलो तो नेक्स्ट लोकेशन चलते हैं हम, और कैमरा बंद करता हूँ मैं, ठीक है। और ठीक है फिर चलते हैं, फिर ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा चलना नहीं है, फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं हम।